नमस्कार, न्यूज एंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया वाजपेयी। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसने 90 की दशक में बॉलीवुड को हिट पे हिट फिल्म दी, जिसकी डांस मूव और कॉमेडी की वजह से लाखों दिलों पे उन्होंने राज किया। जी हाँ, बात हो रही है कॉमेडी के बादशाह गोविंदा की। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान और एक लाखों दिलों पर राज करने वाले गोविंदा बॉलीवुड में तो थे इतने हिट, लेकिन राजनीति में क्यों हो गए वो फ्लॉप? आइए देखते हैं इसकी वजह। अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान बनाने के बाद अभिनेता गोविंदा ने राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया है। कॉमेडी फिल्मों से लेकर गंभीर भूमिकाएं अदा करने वाले गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। आइए एक नजर डालते हैं गोविंदा के राजनीतिक सफर पर। वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा ने मुंबई से लोकसभा चुनाव जीता। चुनावी प्रचार के दौरान गोविंदा ने मुंबई के लोगों के लिए प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञान को अपने एजेंडे का मुख्य हिस्सा बताया। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के बाद गोविंदा ने अपने एजेंडे के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं किया। शुरुआती 10 महीने में तो उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मिली जाने वाली विकास और निर्माण के लिए धनराशि का उपयोग तक नहीं किया। यह बात जब मीडिया में आई तो गोविंदा ने स्थानीय विकास के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया। लोकसभा सदस्य के रूप में उनका यह कार्यकाल हमेशा ही विवादों से घिरा रहा, कभी झूठे आयु प्रमाण पत्रों के कारण तो कभी अपने उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण। गोविंदा आलोचनाओं से उलझते रहे और उनका राजनीतिक सफर डगमगाता रहा। एक निजी चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में जब शक्ति कपूर को दोषी पाया गया, तब भी गोविंदा शक्ति कपूर के समर्थन में खड़े रहे। डांस बार को बंद करवाने जैसी कार्यवाही का भी गोविंदा ने जमकर विरोध किया। वह राजनीति में सक्रिय और अपेक्षित भागीदारी नहीं निभा पाए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2008 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजनीति को अलविदा कह दिया।